एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद मेरठ के ब्लॉक जाने खुर्द में स्थित 16 बुजुर्ग गांव पड़ा, जहां पर ग्रामीणों ने आयशा को ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर तरीके से कराए जा रहे हैं। लगभग 9000 की आबादी वाला यह गाँव जिला मुख्यालय से दूरी 25 किलोमीटर तथा ब्लॉक से दूरी 3 किलोमीटर है। लगभग 4500 की आबादी वाला यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसित है। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गाँव के जूनियर एवं प्राइमरी विद्यालय में लगभग 850 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए। गांव में 600 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 25 हैंडपंप लगवाए गए हैं तथा 25 और हैंडपंप लगवाने की सरकार से मांग है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 150 विद्युत पोल, 5 विद्युत ट्रांसफार्मर व 42 सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं। इसी के साथ गांव में प्राइमरी स्कूल की बाउंड्री, 6 सीसीटाइज रोड, 4 पुलिया, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 238 शौचालयों का भी निर्माण कराया गया है। वहीं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने एबीपीएस न्यूज के माध्यम से गांव में स्वास्थ्य केंद्र, इंटर कॉलेज, पानी निकासी के लिए नाला, पंचायत घर तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय के निर्माण की मांग राज्य में केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम प्रधान पति सिसोला बुजुर्ग और ब्लॉक चानी जिला मेरठ से मोहम्मद मुसा चौधरी। मैंने अपने ग्राम सिसोला बुजुर्ग में सबसे पहले ये हमारे विकास कार्य हुए, अपने गांव में भी जो हमने सौर ऊर्जा की लाइटें लगवाई और आगे और अब जो है हमने बिजली के खंभे लगवाए और अब जो आगे हमें केंद्र सरकार से जो हमारी डिमांड है वो सबसे पहली तो ये है कि हमारे यहाँ एक इंटर कॉलेज बनाया जाए। भले ही चाहे जहाँ हमारा ये कॉलेज, ये प्राइमरी स्कूल चल रहा है उसी में इसी चीज़ की उपलब्धियाँ करा दी जाए और कोई सरकारी छोटा कोई केंद्र अगर यहाँ बन जाए हॉस्पिटल का, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि 2.5-3 किलोमीटर पड़ता है और यहाँ डिलीवरी वगैरह या बच्चे बीमार होने के कारण वो रास्तों में इतना पहुँचते हैं इतना एक्सपायर हो जाते हैं और गांव की आबादी जो है कम से कम 9-10 हज़ार के करीब हो रही है, तो इसलिए इस चीज़ की बहुत ज़्यादा हमें यहाँ आवश्यकता है। दूसरी बात कि हमारे यहाँ जो है पानी की निकासी का कोई, जो पूरे गांव का पानी है उसकी निकासी का कोई वो हमें रास्ता नहीं मिल पा रहा और हमारा जो नाला जो भूपगढ़ी गांव पड़ता है उसे कागजों में बताया जा रहा है, तो गवर्नमेंट से हम ये दरख्वास्त करेंगे कि उसका एक मौका मुआयना कराया जाए और उस पूरे पानी की निकासी के लिए एक नाला हमारा वहाँ रास्ता उसका कराया जाए, जानी से टच कर दिया जाए। और दूसरे ये है कि जो सफाई का मामला है जो गांव में, हमारे यहाँ कोई जगह जो खत्ते वगैरह थे वो सब घिर चुके हैं, तो एक जगह ऐसी हो जाए कि गांव का जो कूड़ा करकट जो गंदगी है वो वहाँ से ऐसी जगह हमें उपलब्ध हो जाए कि हम वहाँ अपने पूरे गांव का जो कूड़ा करकट है वहाँ पर डलवा लेना। दूसरे कि हमारे यहाँ जो है सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि दो गाँव होने के नाते, दो गाँव हमारे पास में जो माजरे में है और हमारे गाँव की बड़ी आबादी के नाते, एक सफाईकर्मी वो भी कभी कभी क्या आता है उसकी बहुत बड़ी समस्या है। तो अगर हमें इसके अलावा एक सफाईकर्मी या एक डिमांड और है, हमें दो सफाईकर्मी और मिल जाए तो हमारे गांव में जो है सफाई ज़्यादा से ज़्यादा रहने की मतलब जो है हो जाएगी, तो यही हमारी जो डिमांड है सरकार से। और बाकी ये है कि कुछ लोग जो हैं बेवजह झूठी शिकायतें करते रहते हैं क्योंकि विकास में बाधा बने और प्रधान को उलझाने के लिए वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते रहते हैं और उन लोगों को प्रधानों के साथ में अधिकारी तुरंत एक शिकायत करता, चाहे उसका कोई वजूद भी ना हो गाँव में, वो पहुंचता है और प्रधानों के जो है अपना उनके पूंछ उठा के देखने जाना शुरू कर दे। तो मतलब कहने का ये, अगर झूठी कार्रवाई पाई जाती है तो जो शिकायत करता है उस पर भी मैं सरकार से दरख्वास्त करूँगा कि वो उसके साथ भी कार्रवाई की जाए और उसे सख्त से सख्त कानून दायरे में लेके उसको जो है कार्रवाई करी जाए और उसको सज़ा मिलनी चाहिए इस बात की, क्योंकि एक प्रतिष्ठा का सवाल होता है प्रधान के साथ में। एक जो शिकायतकर्ता जिसका कोई वजन नहीं होता, कोई बात गांव में नहीं है उसकी, वो जाके एक शिकायतकर्ता अधिकारी तुरंत वहाँ अपने झोले को उठा के और प्रधान को जो है, और उसके बाद भी अगर काम सही पाने के बावजूद भी उसकी प्रतिष्ठा पर, उसकी निष्ठा पर जो सत्यता उसने अपने काम करे हैं, उसके बाद में वो अपने घर बैठ जाता है और प्रधान की छवि पे जो है दागाने चले जाते हैं, प्रधान चोर है। तो मैं अपील करूंगा सरकार से
कि ऐसे लोगों को भी दंडित करा जाए, ताकि कोई किसी सम्मानित आदमी को और एक जो जिसका सम्मान क्षेत्र में होता हो, जिसको चुन चुन के जनता बिठा रही हो और एक दो आदमी उसे हत्याने के लिए उस काम को कराने का काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी सख्ती से निपटा जाए। ऐसे लोगों का यही मैं अपनी बात खत्म करूँगा।